हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.4 ऑफ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। सो द क्वेश्चन नंबर 7 सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। सो द पहला स्टेटमेंट है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज, एंगल जिसका मेजरमेंट राइट एंगल से कम होता है। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम होता है, तो जब भी कोई एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो क्या होता है? एक्यूट एंगल, राइट। तो यहाँ पे आएगा एक्यूट। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, एंगल जिसकी मेजरमेंट राइट एंगल से ज़्यादा हो। तो राइट एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो आपका ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, क्योंकि वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा हो, और आपका रिफ्लेक्स भी हो सकता है। पर आपने देखा होगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शंस में सिर्फ एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट और स्ट्रेट है, तो हमारा आंसर ऑब्ट्यूज होगा। सॉरी, देन उसके बाद एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स, मतलब दो राइट एंगल का, दो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रेट, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल बन जाता है, ठीक है। देन व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज, मतलब इसका मतलब है कि सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम जिसमें से जिनको मिला के राइट एंगल बनता है, मतलब दो चीज़ों को प्लस करके राइट एंगल बन रहा है, तो उनमें से एक क्या होगा? देन ईच वन ऑफ देम इज, ईच वन ऑफ देम क्या होगा? तो ये देखिए, कुछ भी प्लस करेंगे हम तो 90 डिग्री बन रहा है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें 90 डिग्री से कम होंगे एंगल, या तो मान लीजिए यहाँ पर ये 10 है तो ये आपका 80 होगा, या ये 11 है तो ये आपका 79 होगा। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, इसका मतलब दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे। नाउ ई पार्ट, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एंड वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी, ये कह रहे हैं कि दो एंगल्स को प्लस करके हमारा सम 180 डिग्री आ रहा है, और उनमें से एक एंगल एक्यूट है। एक्यूट है मतलब 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से मान लीजिए मैंने कोई भी एंगल कम मान लीजिए 10 मान लिया, तो दूसरा एंगल हमारा 180 में से 10 गया, 170 हो गया, तो ये क्या हो गया? एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। ऐसी जो दूसरा एक्यूट एंगल मान लेते हैं, मान लीजिए हमने 25 डिग्री मान लिया, तो 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये कितना होगा आपका? 155 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये फिर अगेन ऑब्ट्यूज होगा। मान लीजिए मैंने इसे 89 डिग्री मान लिया, तो ये कितना होगा? 180 डिग्री बनाने के लिए ये 91 डिग्री होगा, मतलब ये ऑब्ट्यूज ही होगा। तो इसमें आएगा देन द अदर शुड बी ऑब्ट्यूज। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।